हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरह का बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटा नाश्ता। फ्रेंड्स, आप एक बार उस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको इसको खाने में पकौड़ों का भी टेस्ट आएगा, आपको नाश्ते का भी टेस्ट आएगा, यानी कि चीले जैसा भी टेस्ट आएगा इसको खाने में। बट जो भी है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 बूंद ऑयल में ही बना के तैयार किया है। बहुत ही झटपट से बन जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से गोल गोल पीसेस में काट लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, टमाटरों को मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम ये सारे प्याज टमाटर को हम डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर ये 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इससे ना इसमें बहुत ही बढ़िया एकदम टैंगी फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे ये। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इनको मिक्स कर देते हैं टमाटर और प्याज के ऊपर, जिससे कि एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर दिया है। देखिए प्याज और टमाटर के ऊपर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको हम साइड से रख देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए, जब तक हम इसके लिए एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लेंगे उसके लिए मिक्सिंग बाउल। मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 1 कटोरी बेसन। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी कप ग्लास सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी बेसन डाल दिया है इसमें, और 1/2 कटोरी हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी की जगह आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, या फिर गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैं 1/2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 1/2 कटोरी दही। अगर आपके पास फ्रेंड्स दही नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। दही या नींबू कुछ भी डाल दीजिए, बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा उससे। दही को मैंने अच्छे से फेंट के डाला है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज की हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें फ्रेश कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 तेल चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमारे जो पकौड़े बनेंगे एकदम बढ़िया कलरफुल बनेंगे। 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ये गर्म मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर ले ली है अजवाइन, जिसको हम हाथ पर रख के इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी, इससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। पहले दही के साथ ही मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कितना पानी हमें इसमें ऐड करना है। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और जिस तरह से हम बिल्कुल नॉर्मल पकौड़ों का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है। तो अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखिए बैटर हमारा बन चुका है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट देखिए बैटर बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कवर करके 5 मिनट की रख देंगे, जिससे कि जो सूजी बेसन है अच्छे से इसमें फूल जाए। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बैटर को रखे हुए भी लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है, बट हल्का सा ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। देखिए हल्की सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो हम इसमें 2 चम्मच पानी और ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाल दिया है, ये देखिए इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बन के तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल इस तरह का एकदम हल्का सा इस तरह से फ्लो में गिरना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर बनाना है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए टमाटर और प्याज भी रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और बैटर भी तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन, और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 बूंद ऑयल की। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 बूंद ऑयल डाली है। ऑयल को अच्छे से हम इस पर थोड़ा सा फैला देते हैं। तो ये देखिए ऑयल को अच्छे से फैला दिया है। गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तो गैस फ्लेम को मीडियम कर दिया है। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज को अभी कोट करके रखा है सॉस में, उसको हम इसमें डिप करेंगे।
तरह से हम इसको इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह से हम टमाटर का थीस उठाएंगे, इसको भी इस तरह से हम थोड़ा सा पास पास में चिपकाते हुए डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। थोड़ा सा बैटर हम ऊपर से भी डाल देते हैं हल्का हल्का सा। इस तरह से हम इसको गोल शेप दे देंगे। गैस फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ऐसा ना हो जब तक हम यहाँ पर डालते रहें वो नीचे से जल जाए। तो गैस फ्लेम को आपको ध्यान रखना है, मीडियम रखें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्का सा गोल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं जिससे कि अच्छे से सिक जाए अंदर तक। तो यहाँ पर इसको सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि साइड से इसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि ऊपर से सिक चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हम इधर से भी लगा देते हैं इस पर हल्का हल्का सा। अब हम इसको पलट देते हैं, थोड़ा सावधानी से पलटेंगे जिससे कि टूटे ना। इस तरह से थोड़ा सा इसको सावधानी से पलट देंगे। वाह ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सेका है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छे से सेका हुआ है। इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी काफी प्यारा सिका हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, देखने से आपको पता चल रहा होगा एकदम करारा करारा क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बना है। तो बस अब हम इसको इसमें से निकाल देते हैं, दोनों साइड से काफी अच्छे से सिक चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी सेक लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। तो ये लीजिए हमारा ये गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सिका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। वाओ ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही यम्मी नाश्ता बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप इस नाश्ते को टमेटो सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखना, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।